हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम कटारी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास रहेगी MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए 2019 और 2020, दो जो ये पुराना सिलेबस और ये नया सिलेबस, ये दोनों को कवर करेगी। कौन सा पेपर? तो ये पेपर 4 होगा, एथिक्स वाला। इथिक्स में आप देखते हैं कि कुछ थ्योरी होती है, कुछ इसमें थिंकर फिलोसफर ये दिए हुए हैं और केस स्टडी। तो केस स्टडी में थ्योरी का महत्वपूर्ण रोल होता है। बिना उन थ्योरीज को समझे हुए हम केस स्टडी को सॉल्व कर ही नहीं सकते, राइट? इसी में पहला जो पॉइंट आता है कि एटीट्यूड को मनोवृत्ति भी कहते हैं। तो ये मनोवृत्ति होती क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं मनोवृत्ति, केस का अर्थ बताएं, इसकी विशेषताएं यानी फीचर बताएं। साथ ही साथ आप इसके वहां पर हो सकता है मॉडल भी पूछ लें कि कैसे इसको मनोवृत्ति कैसे बनती है और इसमें कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं, इससे जुड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रिजुडाइस हुआ, विभेद डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये सब इसी से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो एटीट्यूड मींस हम क्या समझते हैं, मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? तो एटीट्यूड का मतलब होता है कि एटीट्यूड्स आर व्यूज, बिलीव्स और एवेल्यूएशन ऑफ पीपल अबाउट समथिंग। यानी हमारा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति जो एक विचार होते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक जो विचार बनते हैं उसको हम एटीट्यूड के नाम से जान सकते हैं। इसको और स्पष्ट करूं, जैसे मान के चलो कि सांप, है ना, सांप की मैं बात करूं कि इसके बारे में आम जो धारणा है लोगों की, तो उस सांप का जब कभी बातचीत चलती है तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि स्नेक यानी कि सांप कैसा होता है, पॉइजनस यानी ये जहरीला होता है, राइट? उसके बाद हम क्या, जहरीला होता है तो क्या स्वाभाविक है, मुझे डर लगता है, है ना? इसी प्रकार से कोई बात करे कि जैसे कोई चॉकलेट की बात करे तो चॉकलेट नाम सुनकर या उसको देख करके आई लव चॉकलेट, है ना? या आप बोल सकते हो राजनेताओं का नाम लिया जाए, पॉलिटिशियंस का नाम लिया जाए, तो राजनेताओं का नाम सुन करके हमारा एक विशेष प्रकार का एक मनोवृत्ति बन जाती है, ठीक? तो मनोवृत्ति यानी कि किसी भी वस्तु घटना के प्रति जो हमारे अंदर एक विचार जो आते हैं उनको हम मनोवृत्ति कह सकते हैं, राइट? तो एटीट्यूड, ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियोलॉजी और एन इवेंट। इसके लिए आपके जो विचार होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से विचार बन सकते हैं ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज़ के बारे में आपके पॉजिटिव बनते होंगे। तो एटीट्यूड को अब हम अगर डिफाइन करें तो एटीट्यूड इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये किसी ना किसी के बारे में कुछ राय तो बनाता है जो धनात्मक यानी सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो सकती है, ठीक? तो इसको परिभाषित किया जा सकता है व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, किसी विचारधारा, है ना, या पर्यावरण, उसके प्रति जो आपके मन में फीलिंग आती है उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। और इस एटीट्यूड मनोवृत्ति के आधार पर हम लोगों के जो निर्णय होते हैं, कार्य करने की जो उनकी एक योग्यता होती है या कार्य करने का तरीका होता है वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी ला सकते हैं, ठीक? जैसे मैंने आपको बोला कि आप पॉलिटिशियन, आप बोल सकते हो आई हेट पॉलिटिक्स, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स कैसा होगा, आई लव पॉलिटिक्स, ठीक? तो ये जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड बनता कहाँ से है, कहाँ से आता है, उस पर विचार करेंगे। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को भी तो समझ लें। तो एटीट्यूड्स आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स एन ऑब्जेक्ट, इवेंट, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव स्पेसिफिक रिएक्शन टू देम। किसी व्यक्ति, किसी
वस्तु, किसी विचारधारा, कोई संगठन, कोई कार्यक्रम, उसके प्रति हमारे एटीट्यूड जो है उसके प्रति व्यवहार को कंट्रोल करेगा। स्वाभाविक है, जैसा हम एटीट्यूड बनाएंगे उसी प्रकार से हमारा बिहेवियर भी बन जाता है ना। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर हम यहाँ पर टेबल बनाएं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी, किसी भी परिस्थिति में वो अपनी उम्मीदों को धूमिल नहीं होने देते हैं, तो ये इस प्रकार का एटीट्यूड क्या माना जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कुछ लोग निराशावादी भी होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा करो फिर भी उनके अंदर निराशा, सिविल सर्विस में तो ये पूरी तरीके से फिट होती है। ऑप्टिमिस्ट कुछ लोग रहते हैं कि चलो रिजल्ट लेट आ रहा है, वैकेंसी लेट आ रही है, तो हमारे पास टाइम है, हम प्रिपेयर हो सकते हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ हमेशा पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाता है इतनी जल्दी आ गया है, टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ जो एटीट्यूड बना इसे पॉजिटिव और इसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक होता है गुण जिसे हम सहिष्णुता बोलते हैं, टॉलरेंट। सहिष्णुता यानी दूसरे के विचारों के प्रति आपके मन में घृणा के भाव ना होना, आप उसकी बात तो सुनो। और दूसरी तरफ इसे हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इनटॉलरेंट, असहिष्णु होना कि नहीं सिर्फ मैं हूँ, मैं दूसरे और किसी के विचारों को ना तो सुनूंगा ना उसको कोई महत्व दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव में हम रख सकते हैं सहयोगी की भावना, सहयोगात्मक, और दूसरी तरफ यहाँ सहयोगात्मक के ढंग पर हम ईगोइस्टिक हो जाएं, हम सिर्फ सेल्फिश हो जाएं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, राइट। अब जैसे ये एटीट्यूड निर्मित होता है, तो एटीट्यूड निर्मित होता है व्यक्ति के अंदर वैल्यूज, यानी वैल्यूज किससे बनते हैं, बिलीफ से बनता है, विश्वास से बनता है। कैसी वैल्यूज, कैसा विश्वास, एक बात ऐसे समझो कि सबसे पहले एटीट्यूड फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, फैमिली, परिवार से होता है ना। परिवार में किस प्रकार की बातें की जाती हैं, परिवार में पर्टिकुलर किसी कास्ट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी आइडियोलॉजी के बारे में नेगेटिव बातें होती हैं तो हमारा एटीट्यूड उसी ढंग से बन जाता है। ठीक, जैसे आई ये हमारे एक भाव होते हैं, है ना। तो एटीट्यूड इज द बिलीफ ऑफ अ पर्सन टुवार्ड्स समथिंग, यानी मनोवृत्ति एक प्रकार से किसी के प्रति जो हमारे विश्वास होते हैं उससे भी निर्मित होता है। कुछ लोग आई हेट स्पाइडर्स, मैं मकड़ियों से नफरत करता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, राइट। अब ये सारी बातें जो रहती हैं तो ये बिलीफ, आपका विश्वास जो बनता है उस विश्वास को लेकर के हमारा एटीट्यूड होता है। इसको हम समझ सकते हैं जब इसके मॉडल की बात करते हैं। एक तो हमने बता दिया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है, राइट। तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है, जैसे समझना कि सांप, इसके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है। चूंकि हम ये सुनते रहे कि सांप कैसा होता है, जहरीला होता है, इसलिए हमारा एटीट्यूड इसके प्रति नेगेटिव है। मींस हमें उसको देख करके डर लगता है, और डर लगता है इसका मतलब हम उसे जब देखेंगे या तो भाग जाएंगे या उसको मार देंगे। लेकिन क्या दुनिया के सभी सांप जहरीले होते हैं? मात्र 2% सांप जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। लेकिन इतनी कौन सा पॉइजनस है कौन सा नहीं है ये कैसे पता चलेगा, राइट। अगर कोई हमें एक्सपर्ट बता भी दे कि नहीं ये पॉइजनस जहरीला नहीं है तो ठीक है, हमारा हम भागेंगे नहीं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि उसको हेलो हाय करो, गले में डाल लो, चलो घूम के आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एटीट्यूड यहाँ पर आपका जो है वो नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। तो क्या हर घटना के प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है, और क्या सबका यूनिफॉर्म होता है? जो चीज़, जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है,
तो कोई मुझे बोलेगा मुझे एप्पल पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है, किसी को केले पसंद है, किसी को ऑरेंज पसंद है। तो क्या सबकी एक जैसी चॉइस थी? नहीं थी, अलग अलग थी, राइट? तो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ यहाँ, तो ये चीज़ें किसी के, हम कलर के बारे में बात करें कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो सबके एक जैसे एटीट्यूड नहीं होते हैं। तो एटीट्यूड को पहले दिखाने के लिए एक जो मॉडल बनाया गया था उसे यूनी डायरेक्शनल मॉडल के नाम से जाना गया। यूनी डायरेक्शनल मॉडल मॉडल क्या होता है? इसमें या तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा या आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, या तो आपके विचार सकारात्मक होंगे या आपके विचार नकारात्मक होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको स्वीट्स पसंद है, तो आपको पसंद होगा तो पॉजिटिव हो गए, नहीं पसंद होगा तो नेगेटिव हो गया। ठीक ऐसे हर चीज़ के लिए क्या हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं? चॉकलेट आपके सामने रख दी जाए तो आप हो सकता है पसंद करें, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो निर्जन वीरान टापू पर रहता हो या उसने कभी लाइफ में चॉकलेट ना देखी हो और उसके सामने हम चॉकलेट रख दें, फिर हम उसके एटीट्यूड को समझने की कोशिश करें, उसकी मनोवृत्ति को, तो क्या उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आप जज कर सकते हो? यहाँ हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वो उसके लिए चॉकलेट क्या है, चॉकलेट क्या है उसको नहीं पता ना। इस प्रकार से जो नया मॉडल बना, उस मॉडल में हम एक्स और वाई एक्सिस पर इसे बनाते हैं। ठीक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, बट एम्बिवेलेंस भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा जो मॉडल बनाया गया एटीट्यूड का, उसे बाई डायमेंशनल या दो विमाओं के रूप में जानते हैं। इसमें एक मॉडल आता है एटीट्यूड को बताने के लिए जिसे हम कैप मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल क्या काम करेगा, कैप मॉडल कैसे काम करता है? तो देखो, सी का मतलब होता है कॉग्निटिव, COGNITIVE मीन्स संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान, नॉलेज से समझ सकते हो, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? ए से मतलब यहाँ पर आता है जिसे कहते हैं अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब यहाँ पर हो जाता है संवेग, ए मीन्स अफेक्टिव यानी संवेगात्मक। और बी से यहाँ मतलब हो जाता है बिहेवियर, व्यवहार। एटीट्यूड को हम इन तीन शब्दों से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसे कैप मॉडल के नाम से जानते हैं। क्या सिंपल कि सांप, उसके बारे में आपका ज्ञान क्या कहता है? कॉग्निटिव, यानी कि ये जहरीला होता है, आपको यह ज्ञान है, स्नेक इज पॉइजनस। अब आपका संवेग यानी आप अफेक्टिव क्या होते हैं? अफेक्टिव से मतलब है फीलिंग्स और इमोशंस। जैसे फीलिंग का मतलब होता है आप खुश होते हैं, आपको स्नेक दिखता है, आप तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो कि अरे ये तो मेरा बिछड़ा हुआ यार मिल गया। या हो सकता है आप नफरत करते हो, गुस्सा आता हो, दुख प्रकट करते हो, तो इन्हें कहते हैं इमोशंस, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होगा कि व्यक्ति फियर यानी डरेगा। बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर व्यवहार में हम क्या करेंगे? तो व्यवहार होता है मतलब, या तो आपका बिछड़ा हुआ यार है तो उसको गले लगा लोगे, और अगर आपका बिछड़ा हुआ यार नहीं है तो मैं सांप देखता हूँ, स्नेक इज पॉइजनस, मुझे डर लगता है इसलिए मैं भाग जाता हूँ, दूर चला जाता हूँ। इसे कहते हैं कैब मॉडल एटीट्यूड। संवेगान कॉग्निटिव का मतलब होता है एक प्रकार से नॉलेज या इसको हम बिलीफ भी बोल सकते हैं, विश्वास। यानी व्हेन यू फॉर्म एन ओपिनियन फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन
आपको जो सूचना मिली, आपको जो ज्ञान मिला, उसके आधार पर आपकी जो एक प्रकार से राय बनती है उसको यहाँ कॉग्निटिव के नाम से जानते हैं। जैसे एक राय बन सकती है, पॉलिटिशियंस ले लेते हैं ना, राजनीतिक, तो राजनीतिज्ञ के बारे में हमारे पास सूचना ये आती है कि ये तो भ्रष्ट होते हैं, ये ईमानदार नहीं होते हैं। सभी राजनेताओं को तो नहीं रख सकते, बट अधिकांश ऐसे होते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली आसपास, जहाँ पर भी हम सुनते रहे, जहाँ पर भी बातें आई, यही आई ना, राइट। तो इस राजनेताओं के प्रति आपके मन में जो आपका ओपिनियन बना, अब इससे आपका अफेक्टिव, यानी इसमें अफेक्टिव यानी संवेगात्मक रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई राजनेता आपके सामने आता है, देन क्या करते हो आप उससे गले मिलते हो, आप उसको चाय ऑफर करते हो, या आप सोचते हो कहाँ से ये मुसीबत आ गई, राइट। तो यानी आप किसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, और बिहेवियर क्या होता है कि ये मैं जाना नहीं चाहता हूँ, राजनेता आ जाता है, मैं घर में अंदर छिप जाता हूँ, इस टाइप की बातें आ सकती है ना। तो इस तरीके से इस कैब मॉडल को हम लिख सकते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक रूप से हम अपने एटीट्यूड को बता सकते हैं, राइट। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं रहती कि जिसको हम ना समझ पाए, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एटीट्यूड काम क्या करता है, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति के प्रकार या कार्य बताओ, तो एटीट्यूड बहुत सारे काम करता है ना। कई सारे काम यहाँ पर एटीट्यूड के द्वारा हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपका आदर्श व्यक्ति स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद के जीवन परिचय को पढ़ करके आपका एटीट्यूड बना कि वो क्या कहते हैं, मानवता के प्रति दया रखना चाहिए, मानव की सेवा करना चाहिए। तो अब जब कभी भी आप ऐसा देखते हो कि कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो आप तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये क्या हुआ, यानी फंक्शन इसका जिसे हम कहते हैं सोशल सामाजिक एडजस्टमेंट या सोशल वैल्यूज, तो ये भी फंक्शन हो जाता है ना, ठीक। इसी प्रकार से एटीट्यूड का काम क्या होता है, एटीट्यूड कई सारे फंक्शन में, एक इसमें फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ईगो डिफेंसिव। ईगो तो समझते हैं ना, डिफेंसिव। जैसे मान के चलो कि हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई गेम तो खेलता है ना, आप चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। अब क्या जो क्रिकेट के सुपरस्टार होते हैं, जो कि जिस ढंग से खेलते हैं, आप उनके बराबर, जैसे फुटबॉल में मैसी हुआ, उसके जैसा तो आप नहीं खेल पाते हो। अब कोई आपको, आप खेलते हैं और आपकी कोई बुराई कर देता है, यार तुमको खेलना नहीं आता है, तो अब हमारा एटीट्यूड क्या करता है, डिफेंसिव। ईगो हमारा उसके डिफेंसिव में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उसमें क्या करता है, कैसे भी करके, अरे वो मुझे चांस नहीं मिला था, या कुछ ऐसा हो गया था, कुछ वैसा हो गया था, इस वजह से, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि नॉट एवरीवन कैन डू एवरीथिंग, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ काम नहीं कर सकता है, हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता है। तो अगर हम किसी ऐसे फेवरेट जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उसकी तरह कोई गेम नहीं खेल पाते हैं, और कोई ये कहता है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो हमारा एटीट्यूड डिफेंसिव हो जाता है और ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करने के स्थान पर कि मुझ में कमी है, उसको जस्टिफाई, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री में फेल हो गया, मेंस में फेल हो गया, तो वो ये बात नहीं मानेगा कि मुझे पता नहीं था, दूसरे को पता था। क्यों? वहाँ पर उसका ईगो डिफेंसिव हो जाता है। अरे वो आयोग डिलीट कर देता है हर बार क्वेश्चन, वही 5 क्वेश्चन मेरे सही थे और उन्होंने डिलीट कर दिए,
तो इसे क्या कहते हैं, इसे ईगो डिफेंसिव फंक्शन के नाम से जानते हैं, राइट। इसी प्रकार से एटीट्यूड का दूसरा फंक्शन है जिसे हम नॉलेज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। नॉलेज फंक्शन यानी ज्ञान से मतलब हो जाता है। तो नॉलेज फंक्शन एज वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग, एटीट्यूड इज ऑल अबाउट व्हाट अ पर्सन लाइक और डिसलाइक। शुरुआत में जो बताया था ना कि ये हमारी, ये मुझे पसंद है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ज्ञान ये है क्या, यानी कि हम किसी व्यक्ति के यदि एटीट्यूड को पहचान लें तो हम उसकी एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। Knowing a person's attitude helps us predict their behavior. हम उसके व्यवहार को पहले से अनुमानित कर सकते हैं कि ये क्या व्यवहार करेगा। मान के चलो कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसके व्यवहार का मतलब है कि हाँ वो मंदिर मस्जिद जिस धर्म को मानता है वहां जाता होगा, निश्चित ही जाता होगा। If a person is religious, we can easily predict he will गो टू टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एट्सेट्रा। सिंपल है ना। तो ये क्या होता है, ये हमें एटीट्यूड नॉलेज यानी इसका एक फंक्शन हो जाता है। तो एटीट्यूड अलाउज अस टू प्रिडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, हम पता लगा सकते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, ये भी सही बात है। ऐसा नहीं होता है कि धार्मिक है तो वो व्यक्ति हमेशा जाता होगा, लेकिन इसके आधार पर ही हम अपने मन में पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, पूर्वाग्रह प्रिजुडाइस पहले से, या हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, रूढ़िवादिता को अपनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो जाता है। क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स, राइट। इसी प्रकार से अगला फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता उपयोगितावाद, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं, राइट। कि ऐसा समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति में सकारात्मक एटीट्यूड है, और सकारात्मक एटीट्यूड है इसका अर्थ क्या होता है कि आप इसको ऐसे समझाना ज़्यादा ठीक रहेगा कि सकारात्मक एटीट्यूड है। अब हम कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वो हमें बिल बना के नहीं देता है या कच्चा बिल दे देता है, तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ ना कि उसने कच्चा बिल दे दिया, इट मीन्स आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो वो इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा रहा है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आप उससे डिमांड करोगे कि नहीं मुझे इसका पूरा बिल बना के दो, क्योंकि मैं तो पूरा पे कर रहा हूँ। तो जब मैं पूरा पे कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, बिल बना के दो। तो इसे इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही एक होता है जिसे हम कहते हैं सोशल एक्सेप्टेंस फंक्शन या आइडेंटिटी या एडेप्टिव। ये क्या होता है कि लोग किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों को दूसरे लोगों के द्वारा एप्रिशिएट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, मान्यता दी जाए, रिवार्ड मिले, तो उसके कार्यों को यानी उसके एटीट्यूड को क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। और एक्सेप्टेंस मिल जाती है, स्वाभाविक सी बात है कि तो फिर उसको बार बार दोहराया जाएगा, है ना। जैसे दिवाली का त्यौहार होता है तो लोग लाइटिंग करते हैं, इसको मान्यता मिली हुई है, वैसे तो नहीं करते हैं कि हमेशा वो घर पर चढ़कर लड़ियां लगाते रहते होंगे ना, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आगे मैं फिर आपको इसके डिटेल में ले कर चलूँगा तो और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, राइट। एटीट्यूड कैसे बनता है तो इसके संदर्भ में बहुत सिंपल सा बेसिक सा है, पहले आते हैं जिन्हें कहते हैं बिलीफ, और जब इसमें जुड़ जाते हैं वैल्यूज, दोनों मिला करके मनोवृत्ति का निर्माण कर देते हैं। मनोवृत्ति क्या है, किसी व्यक्ति विचार घटना के प्रति आपकी सकारात्मक या नकारात्मक एक राय,
ठीक है ना। अब बिलीफ मतलब विश्वास, लोग आशावादी होते हैं, भगवान को मान लेते हैं क्योंकि उनका विश्वास है। और वैल्यूज क्या सिखाते हैं कि भगवान यानी कि वो सत्य है, पवित्र है, तो दोनों मिलकर के उनका पूरा एटीट्यूड कैसा बना, इस ढंग से चेंज हो जाता है। तो बिलीफ इज व्हाट वी थिंक अबाउट थिंग्स, किसी वस्तु के बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है, उसे हम बिलीव कहते हैं। जैसे फिल्म एक्टर, सब नहीं सोचते हैं ऐसा, फिल्म एक्टर के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि इनको तो पैसा दे दो और किसी का भी प्रचार करा लो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ ही क्यों ना करती हो। ये आपका बिलीफ अगर बन गया। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज का मतलब है, वैल्यू का मतलब है व्हाट वी थिंक शुड हैपन, वस्तु के बारे में हम क्या सोचते हैं, और इसका मतलब है हमें क्या किस करना चाहिए, यानी यहाँ पर हम किस चीज़ को माने या किसको ना माने, है ना, क्या हमें मानना चाहिए, क्या स्वीकृत है, उसे हम मूल्यों के नाम से, वैल्यूज के नाम से जानते हैं। नहीं समझ पाए? देखो, प्रचार, राजनेता, राजनेता के बारे में हमारा विश्वास है ये भ्रष्ट होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? भ्रष्ट होते हैं। अब वैल्यूज क्या करेंगे कि इन भ्रष्ट लोगों को हम समर्थन करें या इनका विरोध करें? भाई जो करप्ट है तो करप्शन इज बैड, भ्रष्ट क्या होता है? खराब होता है। तो अच्छा क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छा होता है। तो जो अच्छा और जो खराब है उसमें पहचान कराए, उसे मूल्य कहते हैं। तो वैल्यू हमें ये बताता है कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, वी मस्ट फॉलो गुड, यानी वैल्यू कैन बी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा। वैल्यूज हमारे बिहेवियर को गाइड करेगा, बताएगा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, राइट? तो बिलीफ और वैल्यूज दोनों मिलकर के हमारे एटीट्यूड की रचना करते हैं, इससे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। समझ गए इस बात को? ठीक है ना। तो वैल्यू यानी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऐसे चीजों को हमारा समाज एक्सेप्टेंस दे देता है, उन्हीं को हम सामाजिक मूल्य, ऐसे ही प्रशासनिक मूल्य आ जाते हैं। तो जब केस स्टडी करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे कि वैल्यूज कैसे निर्मित होते हैं, है ना, और उनमें कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। सो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका डाउट है तो कमेंट करके छोड़ दें। गुड लक।